हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम और आज के लिए टॉपिक मैंने उठाया है रिस्क एंड रिटर्न तो हम आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिस्क एंड रिटर्न के एमसीक्यू क्वेश्चंस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्टार्ट करने से पहले बता दू हम कर आ रहे हैं हम चैप्टर वाइज एम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टूस डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम हमने अब तक अकाउंट्स के सारे ही चैप्टर जो कि आपका सिलेबस है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग उसके सारे ही एमसी क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस कर लिए हैं अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उसकी प्ले लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन में करवा दी है अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर वाइज एमसीचन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज एम क्वेश्चन डिस्कस करने का मोटिव क्या है कि जब हम चैप्टर वाइज एम सी डिस्कस करेंगे या अटेम्प्ट करें तो हमें पता चल जाए हम किस चैप्टर में वीक हैं और किस में स्ट्रांग हैं जिन चैप्टरों में हम वीक हैं उस पर हम रिविजिट करें उसे रिवाइज करें ठीक है तो आज की क्लास में हम एम सी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू रिस्क एंड रिटर्न अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल ई डिप्टी डायरेक्टर अनुज जिंदल पे जाके पूछ सकते हैं मुझसे ही नहीं हर एक फैकल्टी से किसी से भी रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो वहां पे मेंशन कर दीजिए और वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी एस डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम से रिलेटेड ठीक है और आप अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप आप पे आपको डेली जीके और क्विजेज टॉपर स्ट्रेटेजीज पास्ट ईयर पेपर्स एग्जाम अपडेट्स लाइव वीडियो सेशंस और मंथली जी के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी ताकि आपको हर एक जगह हर एक अलग अलग वेबसाइट्स पर सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े जिससे आपका टाइम सेव हो सके ठीक है और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से अनु डॉट इन पर जाइए अनु डॉट इन पर जाके ई एस आई पर जाके इनल कर लीजिए वहाँ पे कोर्स पे डिटेल्ड वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगी हर एक चीज डिटेल्ड में आपके पास पी डी मिल जाएंगे सब आपको डिटेल्ड में मिल जाएगा चले अब आपने पहले क्वेश्चन की ओर तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ टू सिक्योरिटीज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन टू सिक्योरिटीज इज 12% एंड 16% रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रिटर्न

और कितना कैपिटल गेन हुआ और रिस्क उसका स्टैंडर्ड या वेरिएंस के थ्रू निकाल लेते हैं अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं अगर हम पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो का मतलब एक से ज्यादा एसेट में जब इन्वेस्टमेंट होती है मोर देन वन एसेट में जब इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज पोर्टफोलियो तो इस पोर्टफोलियो में कितनी एसेट्स हैं दो सिक्योरिटीज हैं दो एसेट्स हैं दोनों के रिटर्न हमें दे रखे हैं मान लो एक एसेट है ए एक एसेट है बी उन्होंने बोला जो हमारा पोर्टफोलियो वन का रिटर्न है वो है ट्वेल्व परसेंट और पोर्टफोलियो बी का रिटर्न है सिक्सटीन परसेंट अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर हमने हंड्रेड परसेंट इन्वेस्ट नहीं किया तो हमने कुछ प्रोपोर्शनेट बांटा हुआ है दोनों सिक्योरिटीज में कितनी कितनी अमाउंट्स बांटी हुई हैं इन्होंने बोला है कि फोर्टी पहली वाली में इन्वेस्ट किया है तो मतलब जीरो हो गया फोर्टी परसेंट हमारा फर्स्ट में इन्वेस्ट है मतलब अगर हंड्रेड में से फोर्टी परसेंट फर्स्ट में इन्वेस्ट है तो रिमेनिंग सिक्सटी परसेंट कहाँ इन्वेस्ट होगा बी वाली में है ना अब नॉर्मल केस में हमें रिटर्न निकालना होता है तो हम दोनों के रिटर्न को प्लस कर देते हैं बच्चे गलती क्या करेंगे भाई दोनों के रिटर्न को प्लस कर दिया क्या आ जाएगा ट्वेंटी ये गलत है हमें करना क्या है हमें निकालना है वेटेड एवरेज अगर किसी पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना हो तो क्या करना होता है वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है रिटर्न का वेटेड एवरेज का मतलब हम क्या करेंगे जो रिटर्न होगा पोर्टफोलियो का कैसे निकलेगा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए इंटू वेट ऑफ सिक्योरिटी ए प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी प्लस इंटू इंटू वेट ऑफ सिक्योरिटी बी ठीक है इसे सॉल्व करते हैं तो ट्वेल्व इंटू ज़ीरो पॉइंट फोर प्लस सिक्सटीन इंटू ज़ीरो पॉइंट सिक्स सॉल्व कर लेते हैं ट्वेल्व जो फोर्टी एट तो ये आ जाएगा फोर पॉइंट एट प्लस सिक्सटीन सिक्सा सिक्सटीन सिक्सा अपना शायद नाइन्टी सिक्स होता है तो नाइन पॉइंट सिक्स ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास नाइन प्लस फोर थर्टीन और एट प्लस सिक्स थर्टीन हो जाएगा तो फोर्टीन पॉइंट फोर है ना 14.4 परसेंट हमारा रिटर्न आ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14.4 परसेंट रिटर्न तो हमारा जो पोर्टफोलियो का रिटर्न होता है हमें याद रखना है वो होता है वेटेज एवरेज ऑफ आव सिक्योरिटी अब एक गलती मत कर देना कि अगर वो उन्होंने रिटर्न की जगह रिस्क पूछा हुआ है अगर रिटर्न की जगह रिस्क पूछा हुआ है तो आप ये वेटेज एवरेज निकाल के आ जाओ तो आपको याद दिला दूं अगर हम रिस्क की बात करते हैं पोर्टफोलियो रिस्क की तो उसका फॉर्मूला हमारा ये होता है जिसमें वेट इन स्टैंडर्ड डि ऑफ फर्स्ट वेट इन स्टैंडर्ड डिजन ऑफ टू प्लस वेट के साथ हम को वेरियंस को भी लेते हैं किस को, को भी लेते हैं को वेरियंस को भी लेते हैं को वेरियंस क्या होता है हमारा को रिलेशन बताता है दो सिक्योरिटीज के बीच में देखो तो एक हिंट सा दे देता हूं कि लेट सपोज हम दो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर एक बढ़ रही है और दूसरी रिड्यूस हो रही है तो इससे हमारा रिस्क रिड्यूस होता है जिस चीज को हमारा कोरिलेशन या फिर कोवेरियंस बताता है ठीक है समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट है हमारे पास अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ टू रिस्की सिक्योरिटीज कैन बी मेड रिस्कलेस दैट इज स्टैंडर्ड इजर्ड इज जीरो इफ द सिक्योरिटीज आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड इफ सिक्योरिटीज आर परफेक्टली को कोरिलेटेड को रिलेशन रेंजेस फ्रॉम जीरो टू वन एंड नन ऑफ दी अब कब हमारा जो पोर्टफोलियो टू रिस्क की सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो का रिस्क जीरो हो जाएगा अब भी हमने बात करी कि जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क में को रिलेशन की इंपॉर्टेंस होती है को रिलेशन की इंपॉर्टेंस क्यों होती है कि भाई अगर एक सिक्योरिटी मान लो नेगेटिवली कोरिलेटेड सिक्योरिटीज हैं जीरो को देखो जो हमारी कोरिलेशन है एक वो पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है जीरो हो सकता है पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि अगर एक्स सिक्योरिटी बढ़ रही है तो वाई भी बढ़ेगी अगर एक्स सिक्योरिटी गिर रही है तो वाई भी गिरेगी कितने रेट से गिरेगी दैट्स नॉट द पॉइंट नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि अगर एक्स इंक्रीज हो रही है तो वाई डिक्रीज होगी अगर एक्स डिक्रीज हो रही है तो वाई इंक्रीज होगी एंड वाई सा वर्सा जीरो का मतलब दोनों को कोई रिलेशन नहीं है कोरिलेशन से होता क्या अभी हमने देखा कि अगर मान लो नेगेटिव को रिलेटेड है नेगेटिव को रिलेटेड है तो हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाएगा हमें पता है अगर एक कम हो रही होगी तो दूसरी बढ़ रही होगी भाई अगर पॉजिटिव को रिलेटेड है तो दोनों एक साथ बढ़ेंगी और दोनों एक साथ कम होंगी मतलब एक साथ झटका लगेगा तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है बट हमारा क्वेश्चन क्या है कब कब हमारा जो रिस्क लेस हो जाएगा मतलब रिस्क ज़ीरो हो जाएगा तो एक डायग्राम भी आपको दिखा देता हूं अगर आपको रिकॉल हो जाएगा कि जब हम बनाते हैं जब हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है मतलब जब हमारा कोरिलेशन बन होता है तो हमारा जो रिस्क एंड रिटर्न का हमारा जो डायग्राम बना था ये बना था और जैसे जैसे हमारा को <coughs> रिड्यूस होता रहता है हमारा डायग्राम चेंज हो जाता है और याद हो तो याद हो तो जब हमने कोर्स में भी पढ़ा था कि अगर हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होता है क्या होता है परफेक्टली नेगेटिव माइनस वन होता है तो पहले हमारा रिस्क रिड्यूस होता है एक पॉइंट आता है जीरो फिर रिस्क इनक्रीज करता है तो मतलब जब हमारा जब जब हमारा देखो ये गिवन है है ना रिस्क जीरो कब हो सकता को रिलेशन क्या हो परफेक्टली नेगेटिव माइनस हो तब हम एक पॉइंट आता है जहां पर हम रिटर्न अर्न कर रहे होते हैं विदाउट रिस्क रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में दो ऐसी सिक्योरिटीज ढूंढना जिसका माइनस वन को हो नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली बात है बट वो हमें डिस्कस नहीं करना थ्योरेटिकली अगर नेगेटिव तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे रिस्क जीरो होगा और हम रिटर्न अर्न कर रहे होंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द सिक्योरिटीज आर परफेक्टली नेगेटिवली को रिलेटेड मतलब माइनस वन है ठीक है अगर आपके माइंड में डायग्राम होगा तो आपको एकदम से याद आ गया होगा ये आंसर समझ आ गया चले नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पोर्टफोलियोस पोर्टफोलियोज पोर्टफोलियोज डैश फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क मैक्सिमम रिटर्न मिनिमम रिटर्न एवरेज रिटर्न पॉसिबल रिटर्न पॉसिबल रिटर्न तो कुछ नहीं होता तो मैक्सिमम रिटर्न मिनिमम रिटर्न और एवरेज रिटर्न तो एफिशिएंट पोर्टफोलियोस क्या होते हैं याद दिलाऊं तो याद हो तो हमने क्या करा था ये हमारा हो गया रिस्क ये हो गया हमारा रिटर्न जब मैं हर एक रिटर्न पे मान लो मैंने रिटर्न ले लिया टू परसेंट एक रिटर्न देखो देखूंगी मैं टू परसेंट कितने मिनिमम रिस्क पे अर्न सकता हूं देखो टू परसेंट में बहुत सारे एसेट्स होंगे सिक्योरिटी पोर्टफोलियोज होंगे जो डिफरेंट दिफ्रें, डिफरेंट रिस्क पे होंगे बट मैं कौन सा चूज करूंगा मैं वोला चूज करूंगा जिसमें मिनिमम रिस्क हो यही होगा ऐसे जब हमने पॉइंट ढूंढे कि लेट सपोज़ अगर फोर परसेंट मेरे को वो करना है रिटर्न अर्न करना है तो फोर परसेंट पर मैंने सारी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया कि भाई एक सिक्योरिटी ये वाला रिटर्न दे रही है एक ये वाला दे रही है एक ये वाला दे रही है मतलब इस इतने रिस्क पे मिल रही हैं तो मैं कौन सा एक्सेप्ट करूंगा जिसमें मिनिमम रिस्क हो यही होता है ऐसे ही अगर मैं कॉन्टिन्यू रखूँ अपने आप को कि लेट सपोज ये ट्वेल्व वाला हो गया तो भाई एक ये पोर्टफोलियो एक ये पोर्टफोलियो एक ये पोर्टफोलियो है लेकिन मैं कौन सा एक्सेप्ट करूंगा जिसमें क्या होगा मिनिमम रिस्क होगा तो जब हमने ऐसे सारे पॉइंट्स को जोड़ा था ऐसे सारे पॉइंट्स को जोड़ा था तो ये हमारा पास क्या आया था मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो और जब इसको रिड्यूस हटा दिया था तो ये हमारा क्या हो गया था ये हो गया था हमारा एफिशेंट पोर्टफोलियो दिस लाइन रिप्रेजेंट एफिशिएंट पोर्टफोलियो सर नीचे वाली लाइन को क्यों नहीं लिया बेटा नीचे वाली लाइन देखो जैसे अगर मैं इसको ही कंपेयर करूं तो यहां पे मेरे को सेम लेवल ऑफ रिस्क पे हायर रिटर्न मिल रहा है तो इन वाले पोर्टफोलियोज को भी मैं नहीं लूंगा मैं सिर्फ इसको लूंगा इन वालों को ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया सर समझ नहीं आया तो ईजी वे में याद रखो ईजी वे में याद रखो ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ले लिया था अगर यार समझ नहीं आया तो सर इजी वे क्या है ये हमारा एफिशिएंट पोर्टफोलियो होता है एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या दिखाता है कि भाई ये हमारा मिनिमम रिस्क है हर एक परसेंट रिटर्न के लिए मतलब एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे मतलब इतना रिस्क है तो हमें मैक्सिमम कितना रिटर्न मिल जाएगा वो दिखाता है हमारा एफिशिएंट पोर्टफोलियो कि अगर लेट्स सपोज मैं 5 स्टैंडर्ड डेविएशन का रिस्क ले रहा हूं लेट्स सपोज तो मेरे को मैक्सिमम रिटर्न इतना ही मिल सकता है इससे ज्यादा नहीं मिल सकता ठीक है इससे ऊपर मैं रिटर्न अर्न नहीं कर सकता इस रिस्क के लिए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम रिटर्न एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क के लिए कि मान लो अगर एक मैं रिस्क लेना चाहता हूं तो उस उसपे मेरे को मैक्सिमम रिटर्न कितना मिलेगा अगर मैं सेवन स्टैंडर्ड डिविजन का रिस्क ले रहा हूं तो उस उसपे मैक्सिमम रिटर्न कितना मिलेगा वो दिखाता है हमारा एफिशिएंट पोर्टफोलियो इससे पहले मैंने डिस्कस कर लिया था एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनता कैसे है पूरा पूरा ठीक है अगर वो समझ आ गया तो बहुत ही आप अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो समझ आ गया चले नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट पोर्टफोलियो हैज बीटा ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा क्या होता है अब बात कर ले बीटा की देखो हमारे रिस्क दो टाइप्स के होते हैं एक होता है हमारे पास सिस्टेमेटिक रिस्क एक होता है हमारे पास अनसिस्टमेटिक रिस्क जो बीटा होता है हमारा वो कौन सा रिस्क होता है बीटा होता है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क या फिर जैसे मैं बोल दू मार्केट रिस्क या फिर अनडिवर्सिबल रिस्क इसका मतलब क्या है मान लो जैसे कोविड आया कोविड हर एक इंडस्ट्री को एक साथ पूरी मार्केट को एक साथ इफेक्ट करा था सारे के सारे शेयर प्राइस डाउन गए थे यादव तो वो क्या है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क मतलब डाइवर्सिफिकेशन जितनी मर्जी कर लेते कोविड आया था सारे शेयर्स गिरे थे सबका पोर्टफोलियो नेगेटिव में गया होगा दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है एग्जाम्पल किसी में स्ट्राइक हो गई या किसी के रॉ मेटेरियल का प्राइस बढ़ गया दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क ठीक है समझ आ गया जो हमारा बीटा होता है वो मेजर करता है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क अगर मार्केट 100 परसेंट से बढ़ रही है तो जो हमारे वाला शेयर है अगर वो लेट सपोज परसेंट से बढ़ रहा है तो ये बीटा कितना हो गया कि हमारा बीटा कितना है 0. .8. मतलब उस सिक्योरिटी का बीटा कितना है 0.8 और जो मार्केट पोर्टफोलियो होता है मतलब मैंने सारे एसेट्स जो मार्केट में हैं, उस पर ही लगा दिया तो उसका बीटा क्या हो जाएगा वन वन का मतलब कैसे सर अगर मार्केट 100% परसेंट जब बढ़ेगी तो हमारा पोर्टफोलियो भी 100% पॉर्टफोलियो हंड्रेड परसेंट से बढ़ रही है और वो सिक्योरिटी सिर्फ ट्वेंटी uh, परसेंट से बढ़ रही है लेट सपोज तो उसका बीटा क्या हो जाएगा 20 बाई हंड्रेड जीरो पॉइंट टू मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा होता है वन तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन अगर नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव का मतलब क्या अगर मार्केट हंड्रेड परसेंट से बढ़ी तो हमारा पोर्टफोलियो हंड्रेड परसेंट से गिरेगा ठीक है समझ आ गया चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्या क्वेश्चन है अ रिस्क फ्री रेट एंड द एक्सपेक्टेड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आर दीज अकॉर्डिंग टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल तो सी ए पी एम मॉडल पे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और सिक्योरिटी बीट ऑफ वन पॉइंट टू फाइव सी ए पी एम मॉडल क्या है जो हमें रिटर्न बताता है कि हम एक सिक्योरिटी पर कितना रिटर्न अन करते हैं क्या फॉर्मला सी एपीएम का सी ए पी एम पताता है कि जो रिटर्न होगा किसी भी एसेट पर वो किस पे डिपेंड करेगा एक तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे फिर बीटा पे प्लस मार्केट प्रीमियम पे या रिस्क प्रीमियम पे जो कैसे निकलता है रिस्क ऑफ मतलब रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो हमसे रिटर्न पूछा सिंपल सर डाल देंगे में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है 0.056 सर बीटा कितना है 1.25 सर मार्केट का रिटर्न कितना है 0.125 सर और रिस्क फ्री कितना है 0.056 सर इसको सॉल्व करते हैं हम कैलकुलेटर से तो 0.125 वन टू फाइव माइनस पॉइंट जीरो फाइव सिक्स दैट्स कम्स आउट टू पी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स नाइन इंटू वन पॉइंट टू फाइव दैट्स कम आउट टू बी जीरो इंटू पॉइंट जीरो फाइव सिक्स तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास ये अमाउंट आ रही है अप्रोक्सिमली जीरो कैलकुलेशन स्टेक हो गया वन पॉइंट टू फाइव इंटू माइनस माइनस इंटू कर दिया था इंटू माइनस जीरो पॉइंट फाइव सिक्स इंटू वन पॉइंट टू फाइव प्लस पॉइंट जीरो फाइव सिक्स डेट्स कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट वन फोर टू टू फाइव मतलब हमारा आंसर क्या हो गया फोर्टीन पॉइंट टू टू फाइव परसेंट तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोर्टीन पॉइंट टू परसेंट समझ आ गया सर हमें कैलकुलेटर नहीं मिलेगा पेपर में तो अगर भाई तुम्हारी जो क्वेश्चन होगी तो फिर तो तुम वो मतलब विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर पाओगे तो यहाँ पे पॉइंट्स में आ गया इसलिए मैंने कैलकुलेटर का यूज कर लिया वैसे तुम भी बिना कैलकुलेटर के ईजीली कर लेते इसे ठीक है समझ आ गया देखो यहाँ पे क्या बीटा वन पॉइंट टू फाइव का मतलब अगर मार्केट हंड्रेड परसेंट से बढ़ेगी तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वन ट्वेंटी फाइव परसेंट से बढ़ेगा समझ आ गया अब लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है क्या क्वेश्चन है अ कैपिटल मार्केट लाइन इज कैपिटल एलोकेशन लाइन ऑफ रिस्क फ्री एसेट कैपिटल एलोकेशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो कैपिटल एलोकेशन लाइन ऑफ रिस्क फ्री एसेट एंड मार्केट पोर्टफोलियो कैपिटल मार्केट लाइन क्या चीज है चलो आपकी हेल्प के लिए डायग्राम बना देता हूँ कापिल मार्केट लाइन का याद हो तो ये हमारा मिनिमम वेरियंस वाला होता था ओहो ऐसे कुछ होता था और ये हमारी होती थी मतलब ये टेंजेंट होती थी तो ये होती थी हमारी कैपिटल मार्केट लाइन बताओ ये क्या बताता है कैपिटल एलोकेशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट कैपिटल एलोकेशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो कैपिटल एलोकेशन लाइन ऑफ रिस्क फ्री एसेट एंड मार्केट पोर्टफोलियो आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे ठीक है अब मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को 2 पीएम पे और नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय टेक केयर सी यू सून